हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों आईपीएल 2023 के दोस्तों जो है 70th मैच की मैच प्रेडिक्शन, और जो 70th मुकाबला ये खेला जाएगा दोस्तों आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के बीच। और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा 21 मई की शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। तो मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट चैनल में ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम चैनल, ठीक है गाइस। क्योंकि वहां पर फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको अगर कोई चेंज होता है तो टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है, टॉस भी दिया जाता है, सेशन भी दिए जाते हैं, एंट्रीज भी दी जाती है। लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। और जो गाइस मेरा दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग टिप्स नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन अब चैनल में डाला करूँ तो ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी को उसमें ज्वाइन होना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है गाइस। क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शंस कहीं पे भी मेरे द्वारा कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है किसी भी चैनल में। कई बार ऐसा होगा कि सॉल्यूशन अब चैनल में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी, ठीक है गाइस। क्योंकि मेरा ही चैनल है तो जहाँ मर्जी भी प्रेडिक्शन आ सकती है, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए। और दोनों जगह फ्री में ही प्रेडिक्शन आ रही है गाइस, आपसे कहीं भी पैसा नहीं लिया जा रहा, तो गाइस ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और जो ज्वाइन नहीं होगा सॉल्यूशन अब चैनल से, तो जैसा मैं बोलता हूँ रिमूव कर दिए जाओगे। रिमूव होते हो सबको पता है, बहुत से लोग रिमूव हो जाते हैं सॉल्यूशन अब चैनल से अगर आप ज्वाइन नहीं होते हो, तो ज्वाइन होना है, ठीक है। अगर मेरे चैनल में ज्वाइन हुए तो वहां पे आपको डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा, तुरंत ज्वाइन हो जाए करो। तो गाइस अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ तो गुजरात टाइटंस के पास जो प्लेयर है शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर, रिद्धिमान साहा जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं और भी प्लेयर्स पर नजर डालूँ तो उनके पास जो प्लेयर हैं दोस्तों वह है डेविड मिलर, राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर, साई सुदर्शन जैसे प्लेयर, विजय शंकर जैसे प्लेयर, आपका दोस्तों राशिद खान जैसे प्लेयर, मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर, मोहित शर्मा जैसे प्लेयर, ठीक, नूर अहमद जैसे प्लेयर, और आपका दोस्तों अजारी जोसफ जैसे प्लेयर। वहीं अगर मैं आरसीबी की टीम पे ना डालूँ तो उनके पास विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, अनुज रावत जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, महिपाल लोमरोड जैसे प्लेयर हैं, दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर हैं, हर्षल पटेल जैसे प्लेयर हैं, शहबाज अहमद, विंदु हसरंगा जैसे प्लेयर हैं, वैसक जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ, पलड़ा तो दोस्तों गुजरात टाइटंस का ही पलड़ा भारी है। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। 5 में से 3 जीत कर आ रही है आरसीबी और 5 में से 3 ही जीत कर आ रही है गुजरात टाइटंस। इन दोनों टीमों के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था वो जीती थी दोस्तों आपका गुजरात टाइटंस, ठीक है, सॉरी आरसीबी जीती थी पिछला मुकाबला, उससे पिछला गुजरात जीती थी, ठीक है। इस अगर मैं इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर नजर डालूँ तो 60% विनिंग परसेंटेज है आरसीबी का, 70% विनिंग परसेंटेज है गुजरात का, 179 रन, 179 रन आरसीबी का एवरेज स्कोर है, 170 रन गुजरात का एवरेज स्कोर है, 218 रन आरसीबी का हाईएस्ट है, 227 रन गुजरात टाइटन्स का हाईएस्ट है पिछले 10 मुकाबलों में, 126 रन दोस्तों आरसीबी का लोएस्ट स्कोर है, 119 रन गुजरात का लोएस्ट स्कोर है, ठीक है गाइस। अगर मैं इस वेन्यू पे कुछ मुकाबलों पर ना डालूँ तो कलकत्ता ने बनाए थे 200, आरसीबी 179 पे ही गाइस सिमट गई थी, चेज नहीं कर पाई थी। फिर आरसीबी ने बनाए थे 189, आरआरबी चेज नहीं कर पाई थी, 7 रन से मुकाबला हार गए थे। सीएसके ने बनाए थे 226, आरसीबी वो भी चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है गाइस। तो अगर रन बनते हैं पहली पारी में तो सेकंड पारी में चेज होना टफ होता है। और अगर मैं सेशंस की बातें करूँ तो 6 ओवर में आवे बनते हैं पहली पारी में 54, दूसरी पारी में 52, 10 ओवर में आवे बनते हैं पहली पारी में 83, दूसरी पारी में 91, 15 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 134, दूसरी पारी में 142, 20 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 194, दूसरी पारी में 192। तो ये तो थी मेरी दोस्तों सेशंस की रिपोर्ट। अब आइए आपको बताता हूँ करना क्या, आपको जैसे तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, जिसको भी फ्री में सेशंस खेलने हैं फ्री में आपको सेशंस दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। और मेरा जो दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग टिप्स नाम से, उस अपने डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का लिंक मैं जब भी डाला करूँ सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम चैनल्स में, तो ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शंस कहीं पे भी किसी वक्त भी मेरे द्वारा दी जा सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि सॉल्यूशन हमें प्रेडिक्शन ना आके डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ही आपको प्रेडिक्शन दी जाएगी, तो ये आपका काम है कि आप ज्वाइन हो जाए, ठीक है गाइस। और अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो सॉल्यूशन अब से आपको रिमूव भी कर दिया जाएगा। जो भी कान खोल के सुन लो गाइस, जो भी सॉल्यूशन अब चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होता उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस, सॉल्यूशन अब चैनल से। तो ये तो थी दोस्तों सेशंस की बातें। अब आइए पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं क्या कहती है बेंगलुरु चिन्नास्वामी की पिच। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार है, 121 मैचेस हुए हैं, 56 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाले, 63 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने,
दो मुकाबले टाई रहे हैं गाइस। 166 रन एवरेज स्कोर है फर्स्ट बैटिंग का। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हाईएस्ट है 263 रन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ही लोएस्ट है 82 पे ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से कम 36 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 31 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 24 बार, 190 से ऊपर स्कोर 30 बार बन चुका है। ठीक है गाइस, तो ये तो थी पिच रिपोर्ट। अब आया दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन पे ना डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन पे ना डालूँ, तो शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे रिदमान साहा के साथ, साई सुदर्शन नंबर 3, हार्दिक पांड्या नंबर 4, डेविड मिलर नंबर 5, दशम सनाका नंबर 6, राहुल तेवतिया नंबर 7, मोहित शर्मा नंबर 8, राशिद खान नंबर 9, मोहम्मद शामी नंबर 10, नूर अहमद नंबर 11। ठीक है इस, वही अगर मैं विराट कोहली की जो टीम है आरसीबी उस पर ना डालूँ, विराट कोहली ओपनिंग करेंगे फैफ डुप्लेसिस के साथ, ग्लैन मैक्सवेल नंबर 3, महिपाल लोमरन नंबर 4, अनुज रावत नंबर 5, शहबाज अहमद नंबर 6, माइकल ब्रेसबन नंबर 7, बेन पाले नंबर 8, हर्षल पटेल नंबर 9, करण शर्मा नंबर 10, मोहम्मद सिराज नंबर 11। तो ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन। ठीक है, इस काफ़ी दोनों टीम बैलेंस लग रही है। और गुजरात के पास तो यार जो सबसे मेन हथियार है ना, वो तो राशिद खान है। मतलब राशिद खान जैसा स्पिनर ना इस दशक में दोबारा पैदा नहीं होगा, इस सदी में दोबारा पैदा नहीं होगा। ये खिलाड़ी जो है अपने दम पे मैच पलट देता है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, अपना 100% देते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, पूरा दम लगा के खेलते हैं गाइस। और आरसीबी में भी बहुत सारे लूप होल हैं। आरसीबी में विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल ही टीम जीत को रन जितवा रहे हैं, मैच जितवा रहे हैं। जिस दिन ये मेन मौके पे फेल होंगे ना, उस दिन आरसीबी बाहर ही मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि जो अगला मैच है ना गुजरात, तीनों ये फेल हो जाए और आरसीबी बाहर हो जाए, तो उससे बढ़िया खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है गाइस, तब मैं आपको बताता हूँ करना क्या। आपको दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दिए जाते हैं, टॉस प्रेडिक्शन भी टेलीग्राम में दिए जाता है, और लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम, मेरे चैनल के नामों पर, जैसे सॉल्यूशन हम और डॉली बैटिंग टिप्स, दोनों चैनल्स के नाम पर बहुत सारे फेक चैनल बन गए हैं। तो आप लोगों को फेक चैनल से बच के रहना है, दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे सॉल्यूशन हम चैनल में ज्वाइन होना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सॉल्यूशन अप टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन हो जाइएगा। और सॉल्यूशन अप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का जब भी लिंक दिया जाता है तो ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है डॉली बैटिंग टिप्स, और सभी को उसमें ज्वाइन होना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, फाइनल प्रेडिक्शंस कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर काम है कि आप ज्वाइन हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि सॉल्यूशन हमें प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में आपको प्रेडिक्शन दे दी जाएगी, तो ये आपका काम है कि आप ज्वाइन हो जाए। अगर जो ज्वाइन नहीं होगा तो जैसा कि मैं कहता हूँ गाइस, रिमूव कर दिए जाओगे, और रिमूव होते भी हो आप लोग, पता है आपको। ठीक है, इस तो तुरंत ज्वाइन हो जाया करो। तो गाइस दोनों टीमें देख के, लेखा जोखा देख के, ये मुकाबला जो है आरसीबी के लिए करो या मरो का मुकाबला है, तो मैं चाहूंगा ये, मेरे हिसाब से ये मुकाबला जो है गुजरात टाइटन्स जीतेगी। ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से मुकाबला गुजरात टाइटन्स जीतेगी, हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर द टॉस। ठीक है, और उससे बड़ा मजा की बात क्या है कि आरसीबी बाहर हो जाए, उससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, मेरे लिए तो फटाफट मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतेगी, फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दूंगा आफ्टर द टॉस। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।